हेलो फ्रेंड्स, वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी कंप्लीट करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्ट विटमैन के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। और लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर वॉल्ट विटमैन के वर्क्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नाम निकल कर आता है जो 1842 में उन्होंने लिखा, फ्रैंकलिन इवांस। फ्रैंकलिन इवांस, और ये क्या था, ये एक्चुअल में एक नोवल था जो 1842 में आया। बात क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद एक और दूसरा उनका वर्क था और वो था एक नोवेलिटी जो पब्लिश हुई 1846 में, और उसका नाम था द हाफ ब्रीड। द हाफ ब्रीड, अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर। अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, क्लियर। ये इसका कंप्लीट टाइटल था। ये एक्चुअल में एक नॉवलिटी थी। नॉवलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, एक शॉर्ट नॉवल को आप नॉवलिटी कहते हैं, और ये आया 1846 में। नॉवलेट है, बात क्लियर। इसके बाद नाम आता है लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक एंगल्स। जो जैक एंगल है, जैक एंगल की लाइफ एंड एडवेंचर, और ये सीरियलाइज्ड हुआ 1852 में। ये भी एक नॉवल था। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स। इसके बाद बढ़ते हैं, बड़ा फेमस नाम जो आप सब जानते हैं, जिसके लिए वॉल्ट विटमैन को जाना जाता है, वो वर्क था उनका लीव्स ऑफ ग्रास। एक फ्री वर्स में लिखी गई पोएम्स और उनका एक कलेक्शन, और यानी आप कह सकते हैं लीव्स ऑफ ग्रास को उनका एक मेजर वर्क माना जाता है, क्लियर। और ये पब्लिश हुआ फ्रेंड्स 1855 में, और कई बार वो इसी को एडिट करते रहे, बार बार इसी को एडिट करते रहे, कुछ पोएम बढ़ाते रहे, घटाते रहे। तो डिटेल में बात कर लेंगे। तो ये क्या था लीव्स ऑफ ग्रास, ये एक पोएटिक कलेक्शन था, यानी पोएटिक वॉक यू कैन से। बाकी ऊपर नॉवल, नॉवलिटी ये सब थे, लेकिन ये इनका एक पोएटिक कलेक्शन था। इसके बाद एक नाम और आ जाता है, और मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग। ये उनका वर्स्ट वर्क माना जाता है, सबसे खराब वर्क इसको माना जाता है, मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग को, जो आया 1858 में। एक्चुअली क्या था फ्रेंड्स, ये एक सीरीज थी ऑफ न्यूज़पेपर कॉलम्स, क्लियर। 1858 में सीरीज ऑफ न्यूज़पेपर कॉलम्स। इसके बाद नाम आता है ड्रम टैप का, जो क्या था, अ कलेक्शन ऑफ वॉर पोएम्स, क्लियर। ड्रम टैप्स, और ड्रम टैप्स आया कब, ये पब्लिश हुआ फ्रेंड्स 1865 में। और क्या थी इसमें, इसमें थी वॉर पोएम्स। ड्रम टैप्स के बाद आता है फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक विस्टास। डेमोक्रेटिक विस्टास क्या था, एक प्रोज वर्क था इनका, जो आया 1871 में, क्लियर। और इसके बाद अगर नाम ले हम तो एक और इनका दूसरा वर्क आता है मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, वो भी प्रोज वर्क था, और स्पेसिमेन डेज,
क्लियर फ्रेंड्स, चलिए यहीं लिख लेते हैं मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर, ये आया इनका 1876 में और ये भी फ्रेंड्स प्रोज वर्क था। और लास्ट आता है स्पेसिमेन डेज जो 1882 में आया, स्पेसिमेन डेज 1882 में, ये भी इनका प्रोज वर्क था। बात क्लियर? तो वर्क्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। फ्रैंकलिन इवान ये क्या था, एक नोवेल था, 1842 में आया, हाफ ब्रीड और यू कैन से अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, ये एक नॉवेलिटी थी जो पब्लिश हुई 1846 में। लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक एंगल ये आया 1852 में, ये भी एक नॉवल था। और पोएटिक कलेक्शन की, पोएटिक वर्क की बात करें तो नाम लिया जाता है इसमें लीव्स ऑफ ग्रास का, जो कई बार उसके एडिशन आए। और मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग इनका वर्स्ट वर्क माना जाता है, ये क्या था, अ सीरीज ऑफ न्यूज़पेपर कॉलम्स, वॉर पोएम्स थी जो ड्रम टैप में पब्लिश हुई, और डेमोक्रेटिक विस्टाज था प्रोज वर्क और स्पेसिमेन डेज। डेमोक्रेटिक विस्टाज आया 1871 में और जो स्पेसिमेन डेज है वो आए फ्रेंड्स 1882 में। बात क्लियर? तो ये सारे इनके जो वॉक्स थे वो हमने पेन डाउन कर लिए, इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको आप नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उनके इम्पोर्टेंट पोएटिक कलेक्शन की, यानी लीव्स ऑफ ग्रास की। लीव्स ऑफ ग्रास ये उनका एक पॉपुलर पोएट्री कलेक्शन था और इसको कहा जाता है द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर बात? और टोटल अगर हम बात करें तो इसके 9 एडिशन आए। कितने फ्रेंड्स? 9 एडिशन इस अकेले वर्क के पब्लिश हुए, यानी लीव्स ऑफ ग्रास के। पॉपुलर पोएट्री कलेक्शन, और कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। बात क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो फर्स्ट कलेक्शन आया वो आया 4 जुलाई 1855 को विद 12 पोएम्स। बात क्लियर? और जो 4 जुलाई उन्होंने ये पर्टिकुलर डेट क्यों चुनी, क्योंकि इस दिन जो अमेरिका है, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? अब उन्होंने इसके बाद इसमें फेमस प्रीफेस ऐड कर दिया और उस प्रीफेस में अपनी जो थ्योरी ऑफ पोएट्री थी, न्यू पोएट्री थी, उसको उन्होंने दिया। क्लियर? He adds the preface with which expounds his theory of new poetry. बात क्लियर? इसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो सेकंड कलेक्शन था फ्रेंड्स, सेकंड एडिशन था, वो आया इसके नेक्स्ट ईयर यानी 1856 में। सेकंड एडिशन एटीन
1856 में। इसमें उन्होंने जो टोटल पोएम्स थी वो 20 पोएम्स का ये कलेक्शन था। और थर्ड पोएम जो थर्ड एडिशन आया था, जो आया था 1860 में, उसमें इन्होंने बढ़ा के पोएम्स कर दी 124। क्लियर फ्रेंड्स, थर्ड एडिशन। और हुआ क्या फ्रेंड्स, बार 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 ये इसी को ही एडिट करते रहे। इसकी अगर बात करें इस कलेक्शन की, तो इसमें एक पार्ट आता है सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ, सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ। ये वाला जो पार्ट है सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ, ये इस कलेक्शन का लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। अब लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास का एक एडिशन आया फ्रेंड्स 1891-92 में, और उस एडिशन को कहा जाता है कि वो डेथ बेड एडिशन। 1891-92 में जो एडिशन पब्लिश हुआ वो लास्ट एडिशन था, और इस लास्ट एडिशन को डेथ बेड एडिशन कहा जाता है, डेथ बेड एडिशन। और डेथ बेड इस सेंस में क्योंकि 1873 में उनको पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया था। क्लियर, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो बेड पर रहे। और इसको, इसमें जो अगर बात करें लीव्स ऑफ ग्रास की, तो इसको जो लिखने की इंस्पिरेशन है वो मिली इनको एमर्सन से, आर डब्ल्यू एमर्सन से। और इसकी थीम की अगर बात करें लीव्स ऑफ द ग्रास की, तो इसकी जो थीम निकल के आती है वो है फ्रेंड्स लव, रिलीजन, साइंस, लाइफ, डेथ और सेक्सुअलिटी, और सशक्त डेमोक्रेसी। क्या? लव, लाइफ, डेथ, डेमोक्रेसी, सेक्सुअलिटी। क्लियर, ये निकल के आती है लीव्स ऑफ ग्रास की थीम। तो बात क्लियर हुई, लीव्स ऑफ ग्रास क्लियर हुआ, 9 एडिशन टोटल आए, पोएटिक कलेक्शन था उनका, बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है। फर्स्ट कलेक्शन आया, फर्स्ट पोएट एडिशन आया था फ्रेंड्स 4 जुलाई 1855 को। इस डेट को याद रख लेना कि पर्टिकुलर जो डेट है उन्होंने ये क्यों चुनी। क्लियर फ्रेंड्स, और इसी के साथ साथ इसमें उन्होंने प्रीफेस भी ऐड किया, और सेकंड एडिशन 1856 में आया विद 20 पोएम्स, थर्ड 1860 में आया, और फ्रेंड्स बाकी कोई नहीं पूछता कौन सा एडिशन कब आया, बस पहले दूसरे याद रखें और बाद की जो लास्ट वाला है उसको याद रखें। उसको कहा जाता है लास्ट एडिशन को डेथ बेड एडिशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1873 में उनको एक पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया था। थीम की अगर बात करें तो लव, लाइफ, डेथ, सेक्स, डेमोक्रेसी और साइंस, ये इसकी थीम रही है। क्लियर, तो नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनकी एक पोएम की, सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ। क्या? सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ। ये एक्चुअल में ये लॉन्गेस्ट पोएम थी लीव्स ऑफ ग्रास की। क्या है? लॉन्गेस्ट पोएम। अब लीव्स ऑफ ग्रास। क्लियर फ्रेंड्स, और ये फ्री वर्स में लिखी गई। यहाँ जो पोएट है वो अपने आप के बारे में गाता है, वो स्वयं गाता है। और एक्चुअल में क्या है, इसको सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ को कहा जाता है सॉन्ग ऑफ अमेरिका। इट इज़ नॉट द सॉन्ग ऑफ विटमैन, बट इट इज़ द सॉन्ग ऑफ अमेरिका। क्लियर, फ्री वर्स। इट इज़ नॉट द सॉन्ग ऑफ विटमैन, बट द सॉन्ग ऑफ अमेरिका।
और इसकी बात करें तो ये एक ईपिक बन गया है अमेरिका का। और ये जो पोयम है फ्रेंड्स, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, ये लीव्स ऑफ ग्रास की इंट्रोडक्टरी पोयम है, यानी फर्स्ट पोयम ये है। इंट्रोडक्टरी पोयम ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। बात क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर पोएट एक सिंबल यूज़ करते हैं, वो एक वर्ड, एक लेटर यूज़ करते हैं टी इस पोएम में, और वो टी किसके लिए यूज़ करते हैं, वो पोएट हिमसेल्फ अपने लिए वो टी को यूज़ करते हैं। पोएट यूज फॉर हिमसेल्फ। बात क्लियर है फ्रेंड्स? और एक्चुअल में देखिए, अगर यहाँ विटमैन की बात करें तो वो खुद के लिए नहीं गाते, बल्कि वो एक मॉडर्न मैन को गाते हैं, वो एक आधुनिक व्यक्ति की आवाज़ है। विटमैन सिंग्स ऑफ मॉडर्न मैन। बात क्लियर फ्रेंड्स कि वो एक आम आदमी की आवाज़ है, एक आधुनिक व्यक्ति की आवाज़ है। एक कोट आती है, डू आई कंट्राडिक्ट माइसेल्फ, इसी में डू आई कंट्राडिक्ट माइसेल्फ, क्या मैं स्वयं से ही विरोध करता हूँ। वेरी वेल, आगे कहते हैं इसमें, वेरी वेल देन कंट्राडिक्ट माइसेल्फ, then contradict myself। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ की बात करें, लीव्स ऑफ ग्रास की इंट्रोडक्टरी पोयम है, फ्री वर्स में लिखी गई है, और आप कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट पोयम है। इस पोयम को सॉन्ग ऑफ अमेरिका कहा जाता है। क्लियर? सॉन्ग ऑफ विटमैन नहीं है, बल्कि ये सॉन्ग ऑफ अमेरिका कही जाती है। और इसी के साथ साथ ये क्या है, ये एक ईपिक बन पड़ा है। क्या ईपिक बन पड़ा है फ्रेंड्स? जो आपका लीव्स ऑफ ग्रास है, ये एक ईपिक है, और इस ईपिक में भी, इस सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ को भी एक ईपिक माना जाता है। और यहाँ वो एक लेटर यूज़ करते हैं टी, वो अपने आप के लिए यूज़ करते हैं, और एक कोट भी आ जाती है कि डू आई कंट्राडिक्ट माइसेल्फ, वेरी वेल देन कंट्राडिक्ट माइसेल्फ। और यहाँ वो आवाज़ है, वो गाते हैं, किसको गाते हैं, वो एक मॉडर्न मैन की आवाज़ है, एक आधुनिक व्यक्ति की वो आवाज़ है। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक पोयम इनकी आती है, एनिमल, एनिमल्स। और फ्रेंड्स, एनिमल्स की अगर बात करें तो ये क्या है, ये 32nd जो सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ का, ये है। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। क्लियर? और इसी के साथ साथ इस पोएम में वो कहते हैं कि ही लव्स एनिमल्स, कि वो एनिमल्स को प्रेम करते हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव पीस, उनमें वो शांत रहते हैं, शांति होती है उनके अंदर। दे हैव कंटेंटमेंट, वो संतोषी होते हैं, संतोषजनक होते हैं, संतुष्ट होते हैं अपनी लाइफ से। एंड बिसाइड्स दे हैव इनोसेंस, और उनमें क्या होता है, इनोसेंस होता है। क्लियर? तो वो कहते हैं कि ही लव्स एनिमल्स बिकॉज दे हैव पीस, कंटेंटमेंट, एंड इनोसेंस। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसी में वो बताते हैं, ही प्रेजेंट्स द ब्यूटी ऑफ अ स्टैलियन, एक स्टैलियन की वो ब्यूटी है, वो बताते हैं। ही विशेस टू लिव विद देम, ही डिस्क्राइब्स, यू कैन से द ब्यूटी
ऑफ अ स्टैलियन। और स्टैलियन किसको कहा जाता है? हॉर्स को स्टैलियन कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? और ही विशेस टू लिव विद देम मींस वो कहते हैं कि मैं रहना चाहता हूं, किसके साथ रहना चाहता हूं? विद देम, उनके साथ, यानी एनिमल्स के साथ। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? और इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये किसी तरह की इनको कोई टेंशन नहीं होती, मींस दे डोंट हैव एनी टेंशन। दे डोंट हैव एनी टेंशंस, कोई टेंशन एनिमल्स को नहीं होती। इसी के अलावा दे डू नॉट हैव टू स्वेट फॉर अ लिविंग। मीन्स उनको जिंदा रहने के लिए पसीना नहीं बहाना पड़ता। क्लियर फ्रेंड्स? दे हैव नॉट टू वर्क लाइक अ मैड मैन। आगे कहते हैं कि दे हैव नॉट टू वर्क लाइक अ मैड मैन, एक पागल आदमी की तरह उन्हें काम नहीं करना पड़ता। मीन्स जैसे एक व्यक्ति होता है वो पागल होता है, किसके पीछे पागल होता है? वेल्थ के और पावर के पीछे। क्लियर फ्रेंड्स? तो दे हैव नॉट टू वॉक लाइक ए मैड मैन फॉर, चलिए यही लिख देते हैं, वेल्थ एंड पावर। जो आदमी भागा रहता है, सारी लाइफ भागता रहता है वेल्थ के लिए, पावर के लिए, तो एनिमल्स में कोई फीलिंग नहीं होती, उनको ऐसा नहीं करना पड़ता। आगे कहते हैं ही फील्स, उनको ऐसा लगता है दैट देयर इज अ ब्रह्मा, सॉरी देयर इज ब्रह्मा, कहाँ एक ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता कहे जाते हैं, उनको लगता है कि एक ब्रह्मा है या एक डिवाइन सॉल होती है जो उनके साथ रहती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो बात क्लियर हुई एनिमल्स जो पोएम है उसकी। 30 सेकेंड जो सॉन्ग है ये सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ का है। वो इसमें एनिमल्स को प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो शांत होते हैं, दे हैव पीस, दे हैव कंटेंटमेंट एंड दे हैव इनोसेंस, और इनोसेंस उनके अंदर होता है। ही प्रेजेंट्स द ब्यूटी ऑफ अ स्टैलियन, एक स्टैलियन की ब्यूटी को वो बताते हैं और वो कहते हैं कि मैं रहना चाहता हूँ, मैं एनिमल्स के साथ रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहता हूँ? क्योंकि दे डोंट केयर फॉर एनीथिंग, मीन्स यू कैन से दे डोंट हैव केयर्स, दे डोंट हैव टेंशंस, कोई टेंशन एनिमल्स को नहीं होती। दे डोंट हैव टू स्वेट फॉर लाइफ, और जिंदा रहने के लिए भी उनको पसीना नहीं बहाना पड़ता। दे आर नॉट मैड, वो पागल भी नहीं होते, लाइक ए मैन हु रन आफ्टर वेल्थ और पावर, जो किसके पीछे भागता है? वेल्थ के पीछे, पावर के पीछे भागता रहता है। उनको ऐसा लगता है कि सबके अंदर एक ब्रह्मा होते हैं, एक डिवाइन सॉल होती है, और वो एनिमल्स के अंदर भी होती है। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करिए पोएम, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इनकी सेकंड पोएम, एक और इम्पॉर्टेंट पोएम डिस्कस कर लेते हैं, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। और फ्रेंड्स यहाँ हम ओनली जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, माइनर का कोई मतलब भी नहीं होता। ये विटमैन की पोएम है जो पब्लिश हुई थी 1856 में। क्लियर फ्रेंड्स? 1856 में। और इस पोएम की अगर बात करें तो इसकी जो बेसिक थीम रही है वो रही है वननेस इन, वननेस ऑफ लाइफ। क्या? वननेस ऑफ लाइफ। वननेस ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की एक रूपता, आप कह सकते हैं ये मेन थीम रही है। और वननेस ऑफ लाइफ का मतलब है ये क्या है? ये स्पिरिचुअल है। क्या है फ्रेंड्स? स्पिरिचुअल।
इस पे ईस्ट रिवर सेपरेट्स ब्रुकलिन फ्रॉम मैनहट्टन। ब्रुकलिन फ्रॉम मैनहट्टन। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? और एक्चुअल में देखिए यहां जो पोएट है, पोएट क्रॉसेस द रिवर इन अ फेरी। द पोएट क्रॉसेस द रिवर इन अ फेरी, कि वो फेरी में एक रिवर को क्रॉस करते हैं। और एक्चुअल में फ्रेंड्स यहाँ फेरी या रिवर ये एक सिंबल है, और किसका सिंबल है? कि स्पिरिचुअल लाइफ का ये सिंबल है। और एक्चुअल में जो रिवर है वो क्या है? द रिवर बिकम्स द सी ऑफ लाइफ, और यू कैन से द सी ऑफ टाइम। द रिवर बिकम्स द सी ऑफ लाइफ, और यू कैन से सी ऑफ टाइम। सी ऑफ लाइफ या सी ऑफ टाइम, जो फेरी है वो बन गई है, जो रिवर है वो बन गई है। और जो फेरी है, फेरी क्या है? फेरी इज ह्यूमन लाइफ, मानव का जो जीवन है वो एक फेरी है, वो एक नाव है। और जो बाकी चीजें हैं, ये संसार है, ये क्या है? एक समुद्र है। क्लियर? एक रिवर है यहाँ, ये जो ऑथर कहते हैं द फेरी इज ह्यूमन लाइफ। और कहते हैं कि जो मानव का जीवन है इसको भवसागर पार करके जाना है, इसको इस समुद्र को पार करके जाना है। ये जो सी ऑफ लाइफ है इसको, इस फेरी को क्या करना है? क्रॉस करना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो दिस फेरी हैज टू क्रॉस द सी। The Sea of Life। और फ्रेंड्स इस पोएम को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ऑथर जो हिंदू माइथोलॉजी है उसका एक बहुत बड़ा असर ऑथर पर दिख रहा है। जो आत्मा परमात्मा इस भवसागर की वो बात कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि दिस फेरी हैज़ टू क्रॉस द सी ऑफ लाइफ, इट विल रीच द एटर्नल, इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। कि इसके बाद इस फेरी को, ये फेरी इस सी को पार कर जाएगी, जो जीवन रूपी सी है इसको पार कर जाएगी। और इसके बाद जो इसका डेस्टिनेशन है, यानी आत्मा का जो डेस्टिनेशन होता है वो क्या होता है? वो परमात्मा होता है। फिर ये कहाँ चली जाएगी? इट विल रीच द गॉड। देन क्या होगा फ्रेंड्स? देन इट विल रीच द एटर्नल। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? और बात कर लेते हैं, एक स्पेशल पोयम ये रही है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। और यहाँ द जो पब्लिश हुई है फ्रेंड्स 1856 में आई, और द ईस्ट रिवर है वो सेपरेट कर लेती है ब्रुकलिन को किससे? मैनहट्टन से। पोएट क्रॉस करते हैं एक रिवर को, फेरी में क्रॉस करते हैं। और एक्चुअल में जो फेरी है वो किसका सिंबल है? वो ह्यूमन लाइफ का सिंबल है। और जो ये है रिवर वो किसका सिंबल है? सी ऑफ लाइफ का, और यू कैन से सी ऑफ टाइम का। और इसी से पार करके, इस फेरी जो ह्यूमन लाइफ है इसको पार करके, इस जो जीवन रूपी समुद्र है इसको पार करके इसको जाना है। और अल्टीमेटली इसका जो डेस्टिनेशन है वो गॉड एटर्नल, उससे जाके ये मिल जाएगी। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए तो पोएम नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक और पोएम लेते हैं वॉल्ट व्हिटमैन की, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग। Out of the cradle endlessly rocking। इस पोएम को वॉल्ट व्हिटमैन की मोस्ट कॉम्प्लेक्स और सक्सेसफुल पोएम माना जाता है। क्या? मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सक्सेसफुली मोस्ट
मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड पोएम। पोएम ये मानी जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर इन्होंने एक जो इमेज है, सिंबॉलिक ये पोएम रही है, इसमें इन्होंने इमेजेस यूज़ की हैं और 3 इमेजेस इन्होंने यहाँ यूज़ की हैं। और वो इमेजेस हैं क्या क्या फ्रेंड्स? एक तो है बॉय, एक बर्ड और सी। बॉय, बर्ड एंड सी, ये 3 इमेज यहाँ इन्होंने यूज़ की है और इन इमेज के माध्यम से ही ये पोएम की थीम जो है वो डेवलप करते हैं, यानी दीज इमेजेस डेवलप द थीम ऑफ द पोएम। डेवलप द थीम ऑफ द पोएम। और देखिए ये जो इमेज है 3 इमेजेस, इनमें जो बॉय यूज़ किया है उन्होंने, बॉय इज द सिंबल ऑफ क्यूरियोसिटी। बॉय इज द सिंबल ऑफ क्यूरियोसिटी। इसी के साथ साथ जो सी है फ्रेंड्स, समुद्र, जो सी यूज किया है, सी इज लाइव और क्रिएशन, लाइव और क्रिएशन। और जो एक सिंबल यहां बर्ड इन्होंने यूज किया है, बर्ड इन्होंने लिया है सॉल के लिए, सॉल ऑफ द पोएट, सॉल ऑफ द पोएट, आत्मा के लिए जो सिंबल है वो बर्ड इन्होंने यूज किया है। और देखिए इस पोएम की बात करें तो सफरिंग्स, जो सफरिंग है, रिलेशनशिप विद सफरिंग एंड आर्ट, वो इस पोएम की थीम रही है, रिलेशनशिप बिटवीन सफरिंग एंड आर्ट। रिलेशनशिप बिटवीन सफरिंग एंड आर्ट हैज बीन द थीम ऑफ द पोएम। क्लियर फ्रेंड्स। और देखिए जो सी है, सी वास्तव में क्या है? सी इज द प्रिंसिपल ऑफ एटर्निटी, जो शाश्वतता है उसका एक सिद्धांत है, और वो क्या है? सी, लाइफ एंड डेथ। और ये क्या है? ये सीजलेसली कंटिन्यूएशन में आती रहती है। तो पोएम रिवील्स अ नोट ऑफ होप एंड फेथ। पोएम reveals a note of hope and faith। poem clear हो गई friends? क्या कहा इन्होंने? out of the cradle endlessly rocking, actual में क्या है? एक complex और successfully integrated poem इनकी कही जाती है। beautifully इन्होंने यहाँ images employ की है, और वो image है वो है boy, sea and bird की, तीनों रिप्रेजेंट करती हैं, और इन इमेजेस के माध्यम से ही वो जो पोएम है, पोएम की थीम को वो डेवलप करते हैं। जो सी है, सी प्रेजेंट है यहाँ, सी जो सिंबलाइज करता है वो लाइफ को या क्रिएशन को वो सिंबलाइज करता है। जो बर्ड है, बर्ड क्या है फ्रेंड? सॉल ऑफ द पोएम है। और जो बॉय है वो क्या है? वो क्यूरियोसिटी का एक सिंबल है। तो सफरिंग और आर्ट के बीच एक रिलेशनशिप ये पोएम शो करती है, और एक्चुअल में दिस पोएम इज अ नोट ऑफ होप एंड फेथ। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हमने वॉल्ट विटमैन के इंपॉर्टेंट वर्क्स लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स डिस्कस की, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बची हुई पोएम्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो एक और लेक्चर वॉल्ट विटमैन पर आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, तैयारी कैसी चल रही है? आई थिंक बढ़िया से जोश के साथ आप लगे हुए होंगे अपनी तैयारी में। तैयारी करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।